राज ठाकरे का ऐलान, पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे बिना शर्त समर्थन, एनडीए में शामिल होगी एमएनएस। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज शिवाजी पार्क में आयोजित गुड़ी पड़वा मेले में लोकसभा चुनाव में महायुति को समर्थन देने की घोषणा की। राज ठाकरे ने साफ किया कि ये समर्थन बिना शर्त और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के सभी मनसे सैनिकों को विधानसभा की तैयारी करने का आदेश दिया। इससे पहले बीते सप्ताह राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी और बांद्रा के फाइव स्टार होटल में देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे से भी गठबंधन में आने को लेकर सलाह मशवरा किया था। एमएनएस ने शुरू की विधानसभा की तैयारी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बीजेपी, शिवसेना, हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें बाकी बातचीत नहीं चाहिए, ये समर्थन सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, एक अच्छा संगठन बनाएं, निर्वाचन क्षेत्र बनाएं, आप विधानसभा की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने पीएम मोदी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने इसलिए आलोचना नहीं की क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। मैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे की तरह आलोचना नहीं करता। आज उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। वजह यह है कि मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, लेकिन मैंने विरोध किया क्योंकि मैं कुछ भूमिकाओं से सहमत नहीं था। फिर उद्धव ठाकरे, संजय राउत मोदी की भूमिका से सहमत नहीं थे, वे अपना इस्तीफा जेब में रखे बिना मेरे साथ मैदान में क्यों नहीं उतरे। राज ठाकरे की दो टूक। राज ठाकरे ने कहा कि मैं एक बात साफ तौर से कह दूं, अगर यह देश के हित में है, महाराष्ट्र के हित में है, जब मैं कोई राजनीतिक पद लेता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि मैं राजनीतिक रूप से कहां खड़ा हूं, किसके साथ हूं। मैं ले रहा हूं, दृढ़ स्थिति है और इसे लेकर रहेंगे। मैं समर्थन करता हूं, पूरे दिल से समर्थन करता हूं और उतना ही विरोध भी करता हूं। अमित शाह से मुलाकात पर क्या बोले राज ठाकरे ने कहा कि अमित शाह से मुलाकात के बाद 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार का लगातार हवाला दिया जा रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 की चुनावी भूमिका, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2019 की चुनावी भूमिका, इन भूमिकाओं को ठीक से समझा जाना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि फडणवीस शिंदे कह रहे थे कि हमें एक साथ आना चाहिए, इसलिए अमित शाह ने बुलाया और उनसे मुलाकात की। मैं अपनी भूमिका की घोषणा नहीं करूंगा। राज ठाकरे ने कहा कि अमित शाह की मुलाकात के बाद जो चर्चा आपके कानों में सुनाई दी, वही बातें मेरे कानों में भी सुनाई दी। चर्चाएं हो रही थी, तर्क वितर्क हो रहे थे, किसी ने कुछ भी कहा हो, मैंने सब कुछ सही समय पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। डॉक्टरों और नर्सों को मतदान कार्य पर नहीं जाना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि डॉक्टरों और नर्सों को मतदान कार्य में लगाया गया। क्या डॉक्टर करेंगे मतदाताओं की नसों की जांच? क्या नर्सें बदलेंगी मतदाताओं की डायपर? डॉक्टरों और नर्सों को मतदान कार्य नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं तुम्हें कौन निकालता है।